पौड़ी के श्रीराम एग्रीवेंचर शराब की फैक्ट्री में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचना मिलने पर निर्वाचन आयोग की FST टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि उक्त फैक्ट्री में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब का भंडारण किया गया है, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्रवाई करने हेतु अपने अधीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। इस संबंध में जो एक शराब अवैध शराब की बिक्री या वितरण की जो सूचना मेरे संज्ञान में लाई गई है, तो उस क्रम में जो आरंभिक जांच है फ्लाइंग स्क्वाड और SST के स्तर पे या ARO के लेवल पे भी की जा रही है, और साथ ही इसके साथ ही हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक पौड़ी को भी इसके इस विषय में सूचना दी और उनके स्तर से भी जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जा रहा है, और जो भी एज पर रूल्स जो एक्शन होने और अगर ये प्रकरण सत्य है तो उसमें आवश्यक